लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से वर्चुअल बॉक्स के व्यू ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से वर्चुअल बॉक्स के डिवाइसेस ऑप्शन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स के डिवाइसेस ऑप्शन को यूज़ करने के पहले आपको दो चीज़ें क्लियर होना चाहिए, पहली होस्ट और दूसरी गेस्ट। इट मीन्स एक्चुअल पीसी से मुझे किसी फाइल को ट्रांसमिट करना है वर्चुअल मशीन के अंदर, या वर्चुअल मशीन से किसी फाइल को ट्रांसमिट करना है एक्चुअल मशीन के अंदर। तो इसके लिए ये दो चीज़ें हमें पहले समझना होगा कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस कॉल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आपके एक्चुअल हार्डवेयर पर रनिंग में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं काली लाइनेक्स को ऑपरेट कर रहा हूँ। जो मेरा काली लाइनेक्स है वो मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि आपने वर्चुअल बॉक्स को विंडोज़ 10 में इंस्टॉल किया है तो विंडोज़ 10 आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि विंडोज़ 7 में इंस्टॉल किया है तो विंडोज़ 7 आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल सा फंडा ये है कि जिस ओएस को आपने एक्चुअल हार्डवेयर पर इंस्टॉल किया है वो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी और उस मशीन के अंदर जिस भी ओएस को आपने इंस्टॉल किया है वो हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मीन्स एक्चुअल पीसी से वर्चुअल मशीन के अंदर यदि आप फाइल ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से फाइल को गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब इसे हम प्रैक्टिकली करके देख पाएंगे। तो हम चलिए डिवाइसेस ऑप्शन कवर करते। डिवाइसेस ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल डिवाइस। इट मीन्स आपके पास यदि कोई आईएसओ फाइल है या फिर डीवीडी आपके पास अवेलेबल है जिसका कंटेंट आप वर्चुअल पीसी में देखना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, उस केस में हम इस ऑप्शन को यूज़ करते। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इसने पहला जो ऑप्शन हमें दिया चूज़ डिस्क इमेज, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल करा देगा जहाँ से आपको डिस्क इमेज को इंसर्ट करना होगा। हम इंसर्ट करते, उसके लिए हम अपने पीसी को मैं ब्राउज कर रहा हूँ। ब्राउज करने के बाद मेरे पास एक विंडोज़ एक्सपी की आईएसओ फाइल है जिसे मैंने यहाँ ब्राउज करा है। आप देख सकते हैं कि डिवाइसेस से हमने एक आईएसओ फाइल इंसर्ट करी है, एक्सपी सर्विस पैक 2 आईएसओ। उसका कंटेंट मुझे यहाँ अवेलेबल हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसे ओपन करके कॉपी पेस्ट या इंस्टॉल या अनइंस्टॉल जो भी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैं कर सकता हूँ। इस फाइल को हम कॉपी करते हैं रीडमी को। मैंने इसे डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करा है। आप जैसा देख सकते हैं कि मेरी फाइल कॉपी हो चुकी है। आप चाहे तो इसे अनप्लग कर सकते हैं। अनचेक करने पर ये अनप्लग हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर से मेरी जो आईएसओ फाइल थी वो अनप्लग हो चुकी है। आप जब इन ऑप्शन पर जाएंगे, ये रिसेंटली यूज़ ऑप्शन होता है हमारे लिए, आप जो भी यूज़ कर चुके हैं वो अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन रिमूव डिस्क फ्रॉम वर्चुअल ड्राइव। इट मीन्स इसका भी यूज़ करके आप अपनी आईएसओ फाइल को अनबाउंड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आइडियो। आइडियो इनपुट, आइडियो आउटपुट, इन दोनों ऑप्शन से आप माइक से इनपुट वर्चुअल बॉक्स में आप दे सकते हैं। उसके लिए आइडियो इनपुट आपको यूज़ करना होगा। आप चाहते हैं कि वर्चुअल बॉक्स से जो भी साउंड आउट हो रहा है वो एक्चुअल पीसी में आए तो उसके लिए आपको आइडियो आउटपुट को यूज़ करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आइडियो आउटपुट इनेबल है बट आइडियो इनपुट इनेबल नहीं है। हम इसे भी चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे इनेबल कर दिया है। आप जब भी साउंड को प्ले करेंगे तो जो वर्चुअल पीसी का साउंड है वो एक्चुअल पीसी में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। कई बार हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं। इट मीन्स अब वो साउंड अवेलेबल नहीं होगा। अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो डिवाइसेस के अंदर अगला जो ऑप्शन हमें अवेलेबल है इसको नेटवर्क। नेटवर्क को हम अगले वीडियो में अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला जो ऑप्शन हमें अवेलेबल हुआ है इसको यूएसबी। आपके पीसी में यदि कोई यूएसबी डिवाइस है तो आप उसको यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट मेरे पास कोई यूएसबी पैन ड्राइव है, मैं चाहता हूँ कि उस पैन ड्राइव का डेटा मैं वर्चुअल पीसी के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो आप जब भी यूएसबी अपने एक्चुअल पीसी में प्लग इन करेंगे आप यूएसबी ऑप्शन में आइए। यहाँ से आपको चेक करना होगा वो यूएसबी डिवाइस आपके वर्चुअल पीसी में अवेलेबल हो जाएगी। जैसे मैंने यूएसबी वेब कैमरा इंसर्ट कर रखा है, मैं चाहता हूँ यूएसबी वेब कैमरा मेरे वर्चुअल पीसी में यूज़ हो पाए। आप देख सकते हैं यूएसबी वेब कैमरे का वो ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है। ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आप मैनेज में जाके आप देख सकते हैं। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको इमेजिंग डिवाइस में आपको जाना है। यहाँ एचडी वेबकैम ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। इट मीन्स आपने इस पीसी पर यूएसबी वेबकैम को इंस्टॉल कर दिया है।
आप इसी तरह से पेन ड्राइव यूज़ कर सकते, इसी तरह से अनदर यूएसबी डिवाइस आप यूज़ कर सकते। मैंने वापस से इसे अनप्लग कर दिया है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इमेजिंग का ऑप्शन था वो हट चुका है। अगले ऑप्शन पर हम आते हैं वेबकैम। जो एक्चुअल पीसी में वेबकैम यूज़ हो रहा है वो आप वर्चुअल पीसी में ले जा सकते हैं इस ऑप्शन से, कि जो एक्चुअल पीसी में वेबकैम था वो आपके वर्चुअल पीसी में भी चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अगेन अवेलेबल हो गया है। तो आप चाहे तो इस ऑप्शन से वेबकैम को वर्चुअली ले जा सकते हैं या यूएसबी से ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर फोल्डर की। हम ये चाहते हैं कि एक्चुअल पीसी में यदि कोई फाइल या फोल्डर है जिसे हम वर्चुअल पीसी में कॉपी करना चाहते, इट मीन्स होस्ट पीसी से हमें डेटा कॉपी करना है गेस्ट पीसी पे, तो उसके लिए आप शेयर फोल्डर का यूज़ कर सकते हैं। शेयर फोल्डर हमें एक फंक्शनलिटी देता है जिससे कि आप एक्चुअल पीसी के किसी भी फोल्डर को या फिर होस्ट पीसी के किसी भी फोल्डर को वर्चुअल पीसी के अंदर माउंट कराया जा सकता है। हम इसे सेटअप करते हैं, तो उसके लिए आप पहले देखिए, मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है, इसको कॉल्ड डेटा। डेटा के अंदर हमने कुछ डेटा भी प्लेस कर रखा है। हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा हमें वर्चुअल पीसी के अंदर मिले, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? आप मशीन में जाइए, डिवाइसेस के अंदर शेयर फोल्डर। शेयर फोल्डर में जाने के बाद शेयर फोल्डर सेटिंग में हमें जाना है। यहाँ से हम एड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लोकेशन डिफाइन करने के लिए अदर ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। हम जाते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर रखा था डेटा, और इसे हम ओपन करते हैं। हमने फोल्डर डिफाइन कर दिया है। अब हम जी चाहते हैं कि होस्ट पीसी से डेटा गेस्ट पीसी पे जाए, लेकिन गेस्ट पीसी से डेटा होस्ट पीसी पर ना आए, इन बीस हम इसे रीड ओनली परमिशन देना चाहते हैं। आप डेटा ले तो पाएंगे पर डेटा दे नहीं पाएंगे। ऑटो माउंट एंड मैक परमानेंट, हम इसे ओके करते। ओके करने के बाद आप जब माई कंप्यूटर पर आप जाएंगे तो आपको ये शेयर फोल्डर अवेलेबल हो जाएगा। हम इसे रिफ्रेश करते, जैसा आप देख सकते हैं कि डेटा फोल्डर हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। इसमें जो भी डेटा है आप वर्चुअल पीसी पर कॉपी कर सकते हैं। तो हम एक फोल्डर बना के इसे कॉपी कर देते। हमने एक फोल्डर बना दिया, इसको कॉल्ड डेमो 1, और हम इसमें इसे पेस्ट कर देते। आप देख सकते हैं डेमो 1 के अंदर हमें डेटा अवेलेबल हो चुका है, बट एक्चुअल पीसी से डेटा हमें अवेलेबल हो रहा है, हम इसे डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हमें रीड ओनली परमिशन के साथ ये डेटा अवेलेबल हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हम इसे डिलीट भी कर पाए, तो आप डिवाइसेस में जाइए, शेयर फोल्डर में जाइए, और आप रीड ओनली परमिशन को आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। हम सेटिंग आइकॉन पे क्लिक करेंगे और रीड ओनली परमिशन को हम हटा देंगे। इससे ये होगा कि हम एक्चुअल पीसी से जो डेटा हमें अवेलेबल हो रहा है वो हम वर्चुअल पीसी से डिलीट भी कर पाएंगे, एज वेल एज हम उसमें डेटा प्लेस भी कर पाएंगे। इट मीन्स आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। दिस वन इज शेयर फोल्डर। आप चाहे तो मल्टीपल शेयर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एक फोल्डर को आप रीड की परमिशन दे दें, एक फोल्डर को आप रीड एंड राइट की परमिशन दे दें। अगला ऑप्शन है शेयर क्लिप बोर्ड। शेयर क्लिप बोर्ड इट मीन्स एक्चुअल पीसी पर आप गए, उसमें किसी डेटा को आपने कॉपी करा, हाई आर्मर इन्फोसिक, ये हमने डेटा टाइप करा है और इस डेटा को हमने कॉपी करा। अब यहाँ जो हमने डेटा कॉपी करा ये मेरे एक्चुअल पीसी के क्लिप बोर्ड में चला गया है। मैं चाहता हूँ कि जो एक्चुअल पीसी के क्लिप बोर्ड में जो भी डेटा है वो वर्चुअल पीसी में भी हम यूज़ कर पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं होस्ट पीसी से गेस्ट पीसी पर आ चुका हूँ। इसके अंदर हमने एक नया फाइल क्रिएट करा 1। इस फाइल के अंदर हम पेस्ट करना चाहते पर ये एक्चुअल पीसी में जो हमने कॉपी किया था वो वर्चुअल मशीन में पेस्ट करने की फंक्शनलिटी हमें नहीं दे रहा है। इसके लिए डिवाइसेस में हम जाएंगे। डिवाइसेस में जाने के बाद यहाँ से शेयर क्लिप बोर्ड को हम इनेबल करेंगे। पहला जो इसने ऑप्शन दिया होस्ट टू गेस्ट, इट मीन्स एक्चुअल पीसी से डेटा वर्चुअल मशीन के अंदर लाना चाहते तो आप इसे यूज़ करें। दूसरा जो इसने ऑप्शन दिया है कि वर्चुअल मशीन से डेटा वर्चुअल मशीन में ले जाना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल करें। और तीसरा जो इसने हमें ऑप्शन दिया बाय डायरेक्शन, इट मीन्स कि बोथ साइड आप एक्चुअल पीसी से भी डेटा वर्चुअल मशीन में ला सकते हैं और वर्चुअल मशीन से भी डेटा एक्चुअल पीसी में ले जा सकते हैं। हम बाय डायरेक्शनल को हम लेते हैं। हम अगेन कॉपी करते, कॉपी हमने इसे किया, वर्चुअल मशीन के अंदर हम आए और हम इसे पेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरा डेटा पेस्ट हो चुका है। हमने इस डेटा को कॉपी किया, यहाँ जो डेटा हमने कॉपी किया है वो एक्चुअल पीसी में हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं वो पेस्ट हो गया। चलिए अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं। अगला ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप पर हम चलते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये हुआ
कि एक्चुअल पीसी पे कोई डेटा है, उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्चुअल मशीन के अंदर ले जाना चाहते हैं, या वर्चुअल मशीन में कोई डेटा है उसे एक्चुअल पीसी पे आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया है होस्ट टू गेस्ट, इट मीन्स एक्चुअल पीसी से डेटा वर्चुअल पीसी के अंदर ले जा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन इसने दिया है गेस्ट टू होस्ट, इट मीन्स वर्चुअल मशीन से डेटा एक्चुअल पीसी में हम ला सकते हैं। अगला जो इसने ऑप्शन दिया बाय डायरेक्शन, बोथ साइड ये काम करता है, जिसका यूज़ आप वर्चुअल मशीन से ओरिजिनल मशीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एक्चुअल मशीन से ड्रैग एंड ड्रॉप वर्चुअल मशीन में कर सकते हैं। तो हम पहला ऑप्शन यूज़ करते हैं होस्ट टू गेस्ट, इट मीन्स एक्चुअल पीसी से डेटा हम वर्चुअल मशीन के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप हमारा काम कर रहा है। अगला जो ऑप्शन है इस कॉल इंसर्ट गेस एडिशनल सीडी। आपको पता है हम इंसर्ट गेस एडिशनल सीडी को क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करके हम ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं।